अस्सलाम वालेकुम जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत मसरूफ़ हैं भाई मेरे दोस्त, है ना भाई? हाँ, तो भाई आज क्या करें? आज किस चीज़ का मूड है? आज पढ़ना है, काम करना है, रिवीजन करना है, लिखना है, मश्क करनी है, क्या करना है भाई जनाब, बताइए। आज मेरे दोस्त जो कहेंगे हम वही करेंगे, कहानी सुनेंगे। चले भाई जनाब, मेरे दोस्तों ने कहा है कहाँ कहानी सुननी है, तो भाई आज कहानी सुनेंगे। हाँ, आज बहुत मज़े की और नई अच्छी सी कहानी सुनेंगे जी जनाब। पुरानी कहानी तो हमने सुन ली है, रिवीजन हमने कर लिया है, अब बात करते हैं नई कहानी की। जी जनाब, नई कहानी सुनने को दिल चाह रहा है, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि अब नई कहानी सुने कोई, है ना? नई कहानी कौन सी सुने? हाँ भाई, हमारी तितली दोस्त किताब, उसके पास तो बहुत सी कहानियाँ होती हैं, है ना? हमारी तितली दोस्त किताब के पास बहुत सी कहानियाँ होती हैं, तो जनाब खोल लेते हैं अपनी किताब उर्दू सिलसिला साल दोम जी जनाब, और देखते हैं कि हमारी दोस्त के पास आज कौन सी अच्छी सी कहानी मौजूद है जनाब। ठीक है, तो यहाँ पर सफ़ा खोल लीजिए, 98 और 99 यहाँ पर खुल चुका है, और आज हमारी कहानी का नाम है जानवरों की देखभाल। जानवरों की देखभाल जी जनाब, जानवरों की हो रही है देखभाल, कैसे हो रही है, क्या है कहानी में, ये तो कहानी सुन के पता चलेगा। और मुझे कहानी बहुत अच्छी लग रही है नाम से, क्योंकि जानवरों की देखभाल है, जानवरों का नाम आ गया है, जानवर होंगे कैसे कैसे, जानवर होंगे कौन कौन होगा। कहानी सुनने से पहले तस्वीर देखते हैं कि इस तस्वीर में क्या क्या मौजूद है, क्या होगा कहानी में। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बावर्ची खाना नज़र आ रहा है भाई, ज़बरदस्त ये कहाना है भाई बावर्ची खाने में, और इतने मज़े मज़े के खाने रखे हुए हैं। सालन पक रहा है, किस चीज़ का सालन पक रहा है? चूल्हे पे। यहाँ पे मुझे मछली भी नज़र आ रही है, खीरा नज़र आ रहा है, मुर्गी भी रखी हुई नज़र आ रही है। ओ माई गॉड, क्या है भाई इसमें? यहाँ पे तो मज़े के खाने पक रहे हैं, और यहाँ पे जो है फल भी रखे हुए हैं, नारंगी रखी हुई है, नाशपाती रखी हुई है, नीचे बैठे हुए हैं छोटे से मेंढक। ये मेंढक क्या कर रहे हैं भाई बावर्ची खाने में? क्या हो रहा है, दावत चल रही है कोई, जो इतने मज़े के खाने बन रहे हैं? भूख लगी ना, मुझे भी भूख लगने लगी भाई, इतने मज़े मज़े के खाने देख के तो मुझे भी भूख लगने लगी जनाब। दूसरी तस्वीर में देखें क्या हो रहा है, दूसरे सफ़े में दो बच्चियां बैठी हुई मुझे लग रहा है, और ये टीवी देख रही हैं, टीवी पे कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, वो जानवर कौन कौन से हैं गौर से देखें। हाथी है, हिरन है, हाथी और हिरन बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी है भाई, हेलीकॉप्टर भी है, क्या है भाई इस कहानी में? हेलीकॉप्टर, हिरन, हाथी, मेंढक, और भाई मज़े मज़े के खाने, मछली, मुर्गी, और नारंगी भी है, नाशपाती भी है, खीरा भी रखा हुआ है, लौकी की सब्ज़ी मुझे लग रहा है बन रही है। देखते हैं भाई, सुनते हैं कहानी, जब तक कहानी नहीं सुनेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। तो जनाब सुनते हैं कहानी, और हमारी कहानी का नाम क्या था? जानवरों की देखभाल। चले जी कहानी शुरू करते हैं, कहानी ध्यान से सुननी है। चले। मारिया स्कूल से आई तो उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दे। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा बस ये नींबू काट लूं और लहसुन की चटनी पीस लूं, फिर खाना देती हूँ। अम्मी ने लौकी की सब्जी और मुर्गी का सालन बनाया था, साथ में मछली भी फ्राई की थी, और भाई मारिया की अम्मी ने खाना ही इतना मज़ेदार बनाया था कि जो भी उसकी खुशबू सूंघता
तो उसे भी भूख लगनी थी। अभी मारिया खाना खाने बैठी ही थी कि उसे आवाज आई, टर 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 टर। अब जो मारिया ने देखा तो एक छोटा सा मेंढक उछल उछल कर मारिया की तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक लाल बेग भी था। अच्छा, ये देखें, ये रहा लाल बेग। हाँ भाई, लाल बेग भी था। मारिया जोर जोर से रोने लगी तो उसकी अम्मी ने लकड़ी ली और दोनों को भगा दिया। इतने में उसके अब्बू आए और अब्बू बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ। मारिया दौड़ते हुए गई तो उसके अब्बू ने उसे नारंगी और नाशपाती दी और कहा कि इसे धोकर भी खाना। मारिया नल के पास गई और फलों को धोकर ले आई। आज तो उसे अपनी सहेली के यहाँ भी जाना था। फिर वो शाम को तैयार हुई और बहुत प्यारा सा हार भी पहना। जब वो अपनी सहेली के पास पहुंची तो वो जानवरों से मुताल्लिक फिल्म देख रही थी जिसमें बड़े बड़े हाथी और प्यारे प्यारे हिरन जंगल में खेल रहे थे। फिल्म में कुछ जानवरों की तस्वीरें बना रहे थे, कुछ लोग जानवरों की तस्वीरें बना रहे थे। फिल्म में उन्होंने दिखाया कि अच्छे लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर जानवरों की देखभाल करते हैं। मारिया ने कहा, हम भी अपने जानवरों का ख्याल करेंगे। दोनों सोचने लगी कि जानवरों का ख्याल कैसे रखा जाए। मलिया की अम्मी आई और बोली, लो सात नारंगी और नाशपाती भी खा लो, इससे दिमाग अच्छा काम करता है। सब हंसने लगे कि भाई हाँ, फल खाने से क्या होता है, फ्रेश होते हैं, हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, दिमाग जल्दी 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 काम कर रहा होता है और आप अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं, है ना भाई। बड़े मज़े की कहानी थी भाई। इसमें मारिया साहिबा मौजूद थी और मारिया साहिबा के घर में बन रहे थे मज़े मज़े के खाने। क्या खाने बन रहे थे भाई, क्या बना रही थी टीचर उनकी मम्मा, है ना, उनकी अम्मी क्या बना रही थी। उनकी अम्मी बना रही थी, लीमू काट रही थी, कह रही थी कि लहसुन की चटनी पीस लूँ, क्योंकि अम्मी ने क्या बनाया था, लौकी की सब्जी और मुर्गी का सालन। जी जनाब, और मारिया को किसकी आवाज़ आई थी पीछे से, कौन आ गया था जिसको मारिया देख के डर गई थी, मेंढक और लाल बेग। जी जनाब, और अब्बू क्या लाए थे मारिया के लिए, नारंगी और नाशपाती। बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, मारिया अपनी सहेली के घर गई तो वो क्या देख रही थी, जानवरों से मुताल्लिक फिल्म देख रही थी और उसमें कौन कौन से जानवर थे, हाथी थे और हिरन भी थी। और जानवरों का ख्याल कैसे रख रहे थे लोग उसमें, हेलीकॉप्टर से। जी जनाब। तो जनाब, मुझे इसका सब लगता है कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो अब आपने क्या करना है, अगर समझ में नहीं आई, थोड़ी सी रह गई है, तो वीडियो को बार बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कहानी याद हो जाए, दोस्तों को सुनाइए, मम्मा पापा को सुनाइए, टीचर को वॉइस नोट भेजें अपनी कहानी का। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।